तो गाइस कार्तिक आर्यन की पिक्चर जो आ रही है शहजादा, उसका ट्रेलर आ चुका है। बाकी उसका टीजर देखा था, वो अल्लाह वेकुंटपुरम की रीमेक है और जिस जिसमें अल्लू अर्जुन जो है वो मेन लीड प्ले करते हैं। बाकी ये रीमेक है उसकी, तो देखते हैं ट्रेलर कैसा है। बाकी चलो देखेंगे क्या होता है, क्या नया लेकर आते हैं। स्टार्ट। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। रोज दस दस अंडे पेलता है नाश्ते में, मुर्गियां थक गई है। इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? दोनों। इतनी एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यूट, कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाली। लाज भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी। मुंडा सोना मैं कुड़ी तू करोड़ दी, मुंडा सोना मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। बाबा मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते। ये स्वर्ग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे या मरना पड़ेगा। रणदीप तुम्हारे पिता है, वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं है। स्टोरी तो वही है यार, जिद्दल परिवार के शहजादे हो, थोड़ी सी असली शहजादे, शायद थोड़े से चेंजेस हो। चुप। अब वनवास खत्म, घर लौटने का वक्त आ गया है। कौन हो तुम? मैं रणदीप का असली बेटा हूँ। तो ये कौन है फिर? 25 साल से उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा है। ये कौन है? उसकी फियांसे। तो तुम्हें किस क्यों कर रही है? We love। हाँ। हो। मैं जो आ गया मैं अब न जाऊंगा। इस मॉडल का नाम क्या है? आर आर। लगता है राजा मौली की गाड़ी है। मैं बंदा सीधा ना सादा पर अमीर बच्चों का यही प्रॉब्लम है। लेकिन तेरी गलती नहीं है। तूने खिलौने मांगे, तुझे खिलौने की दुकान मिली। तूने छुट्टे मांगे, तुझे क्रेडिट कार्ड मिला। तूने दूध मांगा, तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। सरप्राइज। साले पुरानी दिल्ली के गटर की पैदाइश, जब देखो इस फैमिली को बचाने आ जाता है। तेरा इस औरत से रिश्ता क्या है? एक बच्चे का पहला घर, एक लड़के का पहला प्यार, इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। क्या एक्शन के बीच में कहानी मत पूछ। अच्छी लग रही है यार, पहली जो थी वो हिंदी में देखी। वाल्मीकि, आई एम ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस गार्डन एंड यू। सूट पहन के इंग्लिश बोलने का मजा ही कुछ और है। नाउ गेट आउट वरना पगार काट दूंगा। ए ए निकल निकल। तो गाइस जो ट्रेलर था वो अच्छा था। बाकी अगर आपने अल्लाह वेकुंटपुरम पहला पार्ट देखा हुआ है तो उसकी अगर डबिंग देखी होगी तो वो ठीक ठाक नज़र आती है। बाकी इसमें मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, बाकी एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। और देखेंगे मूवी, मूवी अच्छी लग रही है मुझे। बाकी अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले गाइस, टेक केयर।